बच्चों, आज हम ड्राइंग सब्जेक्ट में देखने वाले हैं कार्टून्स ड्राइंग। मतलब आपको जो भी कार्टून पसंद है, जो आपने टीवी पे देखे होंगे, किताबों में देखे होंगे, जो आपको चाहिए थे कार्टून है उनके ड्राइंग आप बना सकते हैं। हम हमेशा देखते हैं कुछ इस तरह के कार्टून टीवी पे, मैगजीन्स पे, बहुत सारे कार्टून के सीरियल्स आते हैं टीवी पे, वो भी देखते रहते हैं हम। देखो इस तरह के अलग अलग कैरेक्टर हमको दिखते हैं, लेकिन उसके लिए पहले ड्राइंग किया जाता है, फिर वो कलरिंग करके पूरी स्टोरी बना के आपको दिखते हैं। अभी कार्टून बनाने के लिए आपको बहुत सारी बारीकियां पहले सीखनी पड़ेगी। आँख कैसे बनती है, मुंह कैसे बनता है, इस तरह। देखो अभी सबसे पहले आँखों के अलग अलग आकार कितने हैं, देखो ये देखिए, गुस्से वाली, हंसी वाली, ये सब इस तरह के आकार है। बाद में कार्टून के हाथ किस तरह होते हैं ये भी आप याद दे सकते हैं। देखो अलग अलग छोटे मोटे आकार हाथों के, ये देखिए सिर्फ चेहरों के आकार, कुछ भी नहीं है बाजू में, फिर भी आँख है, मुँह है बस। ये देखो ये भी मुँह के आकार है सिर्फ बस। उसके बाद रहता है इमोशंस, मतलब फेस पे क्या एक्सप्रेशन है, गुस्सा, हंसी, सब दिखता है। देखो इस तरह के छोटे छोटे स्केचेस पहले करना चाहिए तो अभी आप ड्राइंग कर सकते हैं कार्टून का। ये भी यहाँ भी देखिए पहले कितना कच्चा ड्राइंग किया है, देखो यहाँ पे कच्चे ड्राइंग और बाद में आखिर में किस तरह ड्राइंग बनता है। इसीलिए आपको कहा जाता है पहले हल्के हाथ से कच्चा ड्राइंग करो। ये देखिए कुछ आसान तरीके है कैसे शुरुआत की हो, कहाँ तक ड्राइंग खत्म हुआ है। ये बिल्ली का है, ये भी एक बिल्ली बनाई है, स्टार्टिंग में क्या किया है, देखो आखिर तक कैसे किया है। इस तरह एक बंदर का ड्राइंग है यहाँ पे, शुरुआत में किस तरह किया है, धीरे धीरे किस तरह पूरा हो गया। ये छोटी छोटी बारीकियां आप सीखेंगे तो इस तरह के आप कार्टून आराम से बना पाएंगे। देखो इस तरह के हमेशा देखते हैं हम टीवी पे इस तरह के कार्टून्स। इसी के ताल्लुक से कार्टून ड्राइंग का वीडियो है, वो भी हम देखेंगे। देखिए सबसे पहले आपको आपके पास जिस भी साइज़ का पेपर है, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, ड्राइंग कॉपी का हो या कोई पन्ना हो, उसके ऊपर पेपर के हिसाब से बड़ा दिखे ऐसा ड्राइंग बनाना है। यहाँ पे आप देख सकते हो वीडियो में कि किस तरह पेपर के हिसाब से बड़ा ड्राइंग बनाया जा रहा है। पेंसिल के ज़रिए आप सबसे पहले हल्के हाथ से ड्राइंग बनाएंगे और एक बार तसल्ली हो जाए कि आपने किया हुआ ड्राइंग बिल्कुल सही है, कोई भी लकीर मिटाने की अब ज़रूरत नहीं है, उस वक्त आप पेंसिल से ही उसे पहले डार्क करेंगे और कलर करने से पहले स्केच पेन से बॉर्डर करेंगे। इसमें ज़रूरी बात यह है कि हम पेपर के हिसाब से बड़ा दिखे ऐसा ड्राइंग करने वाले हैं, तो उस वक्त याद रखना है कि ड्राइंग बहुत ज़्यादा बड़ा भी ना हो और बहुत ही छोटा भी ना हो। मतलब शुरुआत करते वक्त ही अगर आप चेहरा बना रहे हो कार्टून कैरेक्टर का, तो वो चेहरा पेपर के हिसाब से इतना बड़ा बनना चाहिए या फिर इतना नाप में बनना चाहिए कि बाकी की जो बॉडी हम बनाने वाले हैं कार्टून की, उसके पैर तक, तो वो आधा ड्राइंग पेपर के बाहर ना जाए, इसका ख्याल रख के आपको वो ड्राइंग बनाना है। देखिए जिस तरह मैंने कहा था कि पेंसिल का काम ख़त्म होने के बाद हम उसे स्केच पेन से बॉर्डर करेंगे, क्योंकि ये ड्राइंग हम मोम कलर से कलर करने वाले हैं, इसीलिए जो तरीका हम मोम कलर के ड्राइंग को कलर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसी तरीके से इसे पेंसिल के बाद स्केच पेन से बॉर्डर कर रहे हैं। ये तरीका जब हम पेंट कलर मतलब वाटर कलर, बोतल वाले पोस्टर कलर इस्तेमाल करते हैं, उस वक्त इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर हम पेंट कलर करते वक्त पहले ही बॉर्डर कर देंगे तो पेंट कलर मतलब वाटर कलर फैल सकते हैं, क्योंकि उसमें पानी इस्तेमाल किया होता है, इस वजह से वो बॉर्डर को लग के उसके अंदर के पानी की वजह से ड्राइंग ख़राब हो सकता है। ये स्केच पेन की बॉर्डर का तरीका सिर्फ
मोम कलर से कलर करते वक्त ही इस्तेमाल करना है। याद रखना है स्केच पेन से बॉर्डर करते वक्त बहुत ही संभाल के बॉर्डर करनी है। बॉर्डर होने के बाद जो भी हिस्से पेंसिल के आपको नहीं चाहिए वो इस तरह आप हल्के हाथ से रबर से मिटा सकते हैं और उसके बाद हम कलरिंग चालू करने वाले हैं। ड्राइंग पूरा होने के बाद कलर करने के लिए हमको बहुत छोटे छोटे हिस्से मिलते हैं, मतलब बड़ी जगह नहीं होती कलर करने के लिए। लेकिन हम जिस कलर से इसको कलर कर रहे हैं, समझो यहाँ पे मोम कलर से कलर कर रहे हैं, तो मोम कलर को ब्रश की तरह नोक नहीं होती है सामने, इस वजह से उसका सामने का हिस्सा बहुत बड़ा होता है। तो कभी कभी जल्दबाजी में अगर हमने संभाल के कलरिंग नहीं किया तो स्केच पेन के बॉर्डर के बाहर कलर जा सकता है। इसीलिए कभी भी, सिर्फ इसी ड्राइंग में नहीं, आप जब कभी मोम कलर से कलरिंग करेंगे तो बहुत ही संभाल के कलरिंग करना है, क्योंकि छोटी जगह पे हमको वो कलर करना होता है, तो एकदम हल्के हाथ से कलरिंग करना है। आप जो भी कार्टून कैरेक्टर का ड्राइंग करने वाले हैं उस कार्टून का कलर क्या है उस हिसाब से आपको ड्राइंग में भी कलर करना है। याद रखें जिसका भी आप ड्राइंग कर रहे हो उस कार्टून को कौन से कलर है, जैसे डोरेमोन अगर आप बना रहे हो तो उसको नीला कलर होता है, तो यहाँ छोटा भीम हम बना रहे फिलहाल, तो किस तरह उसको, उसके बॉडी का कलर, उसकी जो धोती होती है पहनी हुई उसको कौन सा कलर होता है, तो इस तरह के कलर हम दे सकते हैं। देखिए यहाँ थोड़ा शेड लाइट की तरह कलरिंग किया जा रहा है, एक तरफ डार्क दूसरी तरफ फीका कलर, और उनको हाथ से घिस के या फिर कॉटन के कपड़े से घिस के भी आप मिक्स कर सकते हो। याद रखना है सिर्फ कार्टून जो बनाया जा रहा है उसको ही कलर करना है, आजू बाजू कलर नहीं लगना चाहिए, दाग नहीं लगने चाहिए। देखो आप यहाँ देख सकते हो कि किस तरह पेपर के हिसाब से ड्राइंग ज़्यादा बड़ा भी नहीं है और एकदम छोटा भी नहीं है। आपको इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा, बहुत सारे बच्चे इसी में गलती कर देते हैं, पेपर के हिसाब से बहुत ही छोटा ड्राइंग कर देते हैं और बार बार दोहराने के बाद ड्राइंग बड़ा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इतना बड़ा कर देते हैं कि कोई हिस्सा पेपर के बाहर निकल जाता है और ड्राइंग कट हो जाता है, तो ऐसा भी नहीं करना है। देखिए इस तरह धीरे धीरे संभाल के कलरिंग करनी है। देखिए जैसे मैंने दोहराया था कितना छोटा हिस्सा है, तो उस जगह पे कलर करते वक्त, मोम कलर से कलर करते वक्त बहुत ही संभाल के कलर करना है। परछाई का हिस्सा दिखा रहे हम, ऐसा लगना चाहिए कि जमीन के ऊपर खड़ा है वो कैरेक्टर, वो कार्टून हवा में ना लगे, इसीलिए जहाँ से पैर शुरू हो रहे उस जगह पे थोड़ा डार्क आएगा और आगे चल के फीका, और उसको हम इस तरह कॉटन के कपड़े से घिस के मिक्स कर देंगे। यह हमारा पहला कैरेक्टर बन गया। आप चाहे तो इसी पेपर के पीछे या फिर नए पेपर पे और एक ड्राइंग और एक कार्टून बना सकते हैं। देखिए किस तरह एकदम हल्के हाथ से, सिर्फ आपको ही दिख रहा है ऐसा समझ लो आप, इतना हल्के हाथ से ड्राइंग करना है। पेंसिल से हल्के हाथ से ड्राइंग करना बहुत ज़रूरी है। आप में से बहुत सारे बच्चे इतना डार्क कर देते हैं ड्राइंग पेंसिल से बनाते वक्त कि जब मिटाने की नौबत आती है तो पूरा पेपर काला हो जाता है या फिर पेपर फट जाता है, ऐसी नौबत आती है। इसीलिए जब भी हम पेंसिल से ड्राइंग करते हैं तो एकदम हल्के हाथ से, आप देख सकते हो, देखो पेंसिल का ड्राइंग पूरा होने के बाद किस तरह यहाँ पे पेंसिल से ही फिर से दोबारा उसे डार्क किया जा रहा है,
और उसके बाद स्केच पेन की बॉर्डर बनेगी। जिस तरह मैंने पहले कहा है कि पेपर के हिसाब से ड्राइंग बड़ा होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, तो ये सब गलतियां ना हो इसीलिए हल्के हाथ से ड्राइंग करना ज़रूरी है। आप चाहे तो इससे अलग भी कैरेक्टर बना सकते हो, यही सेम टू सेम आपको ड्राइंग करना है ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप चाहे तो मिक्की माउस, डोरेमोन, निंजा हथौड़ी, स्पाइडरमैन, सुपरमैन, इस तरह के अलग अलग कार्टून कैरेक्टर भी बना सकते हैं। शर्त एक ही है कि उसको पेपर के हिसाब से बड़े आकार में बनाना है। हर वक्त पेंसिल को अच्छी नोक बना के ड्राइंग बनाना चाहिए। अगर नोक खराब है, बहुत टूट गई है या फिर बड़ी नोक है तो ड्राइंग सही नहीं आएगा, मोटी लकीर आएगी। फिर ठीक है, इस तरह दूसरा कार्टून कैरेक्टर हमारा बन गया। इसको भी हम पेंसिल का काम जब पूरा हो जाएगा तो स्केच पेन से बॉर्डर करेंगे और उसे ऑयल पेस्टल मतलब मोम कलर से कलर करेंगे। ये देखिए, हम अभी उसे स्केच पेन से बॉर्डर करेंगे। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। पेंसिल का ड्राइंग गलत हो गया तो उसकी लकीरें हम रबर से मिटा सकते हैं, लेकिन स्केच पेन की लकीर हम नहीं मिटा पाएंगे, इसीलिए बहुत ही संभाल के काम करना है। वीडियो की शुरुआत में आपको आंखों के अलग अलग ड्राइंग दिखाए गए थे, हाथों के दिखाए गए थे, नाक किस तरह बन सकती है, मुंह किस तरह बन सकता है। आप सब बच्चे अगर सबसे पहले जो भी आपको कार्टून बनाना है वो डायरेक्ट बनाने से पहले अगर उन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करोगे, अलग अलग तरह की आंखें, अलग अलग तरह के नाक, हाथों हाथ जो बनाए गए वो भी अलग अलग तरह के हैं, उनकी एक बार भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये सब ड्राइंग जो भी आप कार्टून बनाना चाहते हो वो बनाते वक्त बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, आप आसानी से बना पाओगे। और इसीलिए आपको छोटे छोटे जो हिस्से थे आँख नाक मुंह वाले कार्टून के, हाथों के पैरों के, वो दिखाए गए थे ताकि आप उसकी प्रैक्टिस करके अच्छे से कार्टून ड्राइंग बना सके। देखो, पेंसिल की लकीरों के बाद स्केच पेन की लकीर से बॉर्डर, और बॉर्डर बनने के बाद जो भी लकीरें इसके पेंसिल की नहीं चाहिए उनको मिटाया जा रहा है रबर से। आपने इसके पहले वाला जो ड्राइंग था छोटा भीम का हमने बनाया था, उसमें भी देखा होगा कि कलर करते वक्त हम ऊपर से नीचे की तरफ कलर करते हैं, जैसे बालों का हिस्सा सबसे पहले, फिर उसके मुंह का हिस्सा, फिर कपड़ों का हिस्सा, फिर पैंट, फिर पैर और फिर जूते या पैर। इसकी वजह यह है कि जब हम शुरुआत ही नीचे से करेंगे तो जब कलर करने के लिए हाथ रखते हैं हम पेपर पे तो नीचे का कलर हाथ में लग सकता है और ड्राइंग ख़राब हो सकता है। अभी आप देख सकते हो कि जब ऊपर कलरिंग चालू है तो नीचे बिल्कुल कलर नहीं है, तो हम जहाँ चाहे वहाँ हाथ रख के छोटी जगह पे आराम से कलर कर सकते हैं। तो ये छोटी सी चीज़ है, लेकिन इसके वजह से बहुत सारे बच्चे गलती करके ड्राइंग ख़राब कर देते हैं, इसीलिए आपको यहाँ बताया गया है कि ऊपर से नीचे के तक इस डायरेक्शन में कलरिंग करना ज़रूरी है ताकि हमारे हाथ को लगे हुए कलर से ड्राइंग ख़राब ना हो। इतना संभाल के कलरिंग करना है। देखो, इसके पहले भी मैंने बताया है मोम कलर है तो उसको नोक नहीं होती है,
छोटी जगह पे कलर करने के लिए बहुत संभाल के कलर करना पड़ता है। यहाँ पे चेहरे पे मैंने दो कलर लिए हैं, एक तरफ से रोशनी दिखाने के लिए हल्का सा लाइट कलर लिया है और एक तरफ डार्क कलर। बालों में भी आप देख सकते हो दो कलर है, ऊपर के जो बाल है थोड़े से ब्राउन कलर के है, वो जो पीछे की तरफ गए हैं कान के नीचे की तरफ उनको हल्का सा काला कर दिया है। तो शेड लाइट दिखाने के लिए, परछाई और रोशनी दिखाने के लिए इस तरह के कलर हम कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि ये भी कार्टून कैरेक्टर पेपर के हिसाब से कितना बड़ा बनाया गया है। इस तरह आपको भी दो आपके चहेते कार्टून के ड्राइंग बनाने हैं। आप इससे अलग भी बना सकते हो, एक ही पेपर के आगे पीछे बना सकते हो, या फिर दो अलग अलग पेपर पे भी बना सकते हो। ये भी हमारा ड्राइंग पूरा हो गया है, सिर्फ परछाई का हिस्सा अभी हम दिखाएंगे। कॉटन के कपड़े से घिस के उसको मिक्स कर देना है। देखिए ये पहला ड्राइंग है हमारा और ये दूसरा ड्राइंग। आप सब बच्चे भी इसी तरह दो ड्राइंग बनाएंगे। सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट बच्चों।